हम हमेशा सुनते रहते हैं कि इस अस्पताल ने 5 लाख का बिल हमारा निकाला, उस अस्पताल ने मुझे इतने लाख का बिल निकाला, यानी हम अस्पतालों की लूट की कई खबरें सुनते रहते हैं। पर आज के इस वीडियो में महाराष्ट्र के ऐसे 7 अस्पताल के नाम देखेंगे जिन्होंने लालच की सारी हदें पार कर दी। सबसे पहले ये लिस्ट देखेंगे। 1. फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई। 2. हीरानंदानी फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी मुंबई। 3. प्लैटिनम हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई। 4. BSES हॉस्पिटल अंधेरी मुंबई। 5. सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। 6. वोल्हार्ट हार्ट हॉस्पिटल नागपुर। 7. कमल नयन बजाज हॉस्पिटल औरंगाबाद। अब देखते इन अस्पतालों ने आखिर किया क्या। ये देश के सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल थे, जहां लोग बड़े भरोसे से जाते थे, जबकि यहां इलाज के लिए मोटे मोटे बिल चुकाने पड़ते थे, फिर भी यहां पर लोग भरोसे से जाते थे। लेकिन इन अस्पतालों के अंदर जो कुछ हो रहा था, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मामला इतना सीरियस है कि महाराष्ट्र सरकार ने इन सभी 7 हॉस्पिटलों पर केस दर्ज करा दिया है। आरोप है कि जिस मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही करके फेंक देना चाहिए, उसका इस्तेमाल बार बार हो रहा था। ये हॉस्पिटल एक कैथेटर का इस्तेमाल कई मरीजों पर करते थे। कैथेटर को स्टरलाइज करके फिर से दूसरे मरीजों पर लगा दिया जाता था। इतना ही नहीं, नए हर मरीजों से इन कैथेटर की पूरी कीमत से भी 3 गुना से ज़्यादा रकम फिर से वसूली जाती थी। बलून कैथेटर जो सिर्फ 6 से 9 हज़ार की होती है, उसकी कीमत 20 से 22 हज़ार तक वसूली जाती थी। ये जानते हुए भी कि कैथेटर पर लिखा होता है कि सिर्फ एक बार यूज करें। कैथेटर का इस्तेमाल कई तरह से होता है। इन्हें शरीर के अंदर लगाकर कई तरह की बीमारियों का इलाज और सर्जरी की जाती है। पिछले साल 2017 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने FDA ने खुलासा किया था कि कैथेटर के इस्तेमाल पर करीब 8 हॉस्पिटलों में जांच हुई। इसके आधार पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच उनमें से 7 अस्पतालों पर केस दर्ज किया। अब कोर्ट से इस 7 हॉस्पिटलों को नोटिस भेज दिया गया है। इसके बाद खुद राज्य सरकार के FDA मिनिस्टर ने भी विधान परिषद में इस बात की पूरी जानकारी दी। तो है ना इन हॉस्पिटलों के लालच की इंतहा और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़, वो भी कैथेटर की 3 गुना से ज़्यादा रकम वसूलने के बाद भी और कैथेटर का कई बार इस्तेमाल करने के बाद भी। अब इन अस्पतालों पर और डॉक्टरों पर इससे ज़्यादा इनको क्या चाहिए होगा, ये समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। इसमें हम इतना ही कर सकते हैं कि राज्य सरकार पर दबाव डालकर जल्द से जल्द इन सभी लालची हॉस्पिटलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा सुनाए, या फिर इन सभी हॉस्पिटलों को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दे। आप सबकी इस पे क्या राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।